बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जुहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कोरोना काल का समय अभी खत्म नहीं हुआ है और इस कोविड महामारी में भी हमारे किसान भाई बहन खेतों पर लगातार मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसान भाइयों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को दिया जाता है अनुदानित दर पर संकर बीज। खुरा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार से पशुओं को बचाने के लिए लगवाएं टीका। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के किसानों को संकर बीजों के प्रति प्रोत्साहित करने एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि निदेशालय द्वारा राज्य में अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनी से अधिकृत विक्रेता द्वारा धान, मक्का, ज्वार, सरसों और सूर्यमुखी के संकर बीज अनुदानित दर पर निर्धारित मात्रा में कृषक प्राप्त कर सकते हैं। गायों या गौ प्रजाति के पशुओं में प्रमुख रूप से खुरा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार रोग लगते हैं। ये रोग पशुओं में ना लगे इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इलाज से बेहतर है कि रोग लगे ही नहीं। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में इलाज बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए पशुपालकों की सलाह है कि उचित समय पर इन रोगों का टीका अपने पशुओं को अवश्य दिला दें। आने वाले फरवरी माह में राज्य में किसान गन्ने की बसंतकालीन बुआई कर सकते हैं। राज्य के वातावरण में गन्ने की अच्छी उपज पाने के लिए BO-147 नामक गन्ने की उन्नत प्रभेद बेहतर मानी जाती है। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के लिए गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO-147 बेहतर मानी जाती है। यह प्रभेद लाल बिगलन रोगरोधी होने के साथ ही सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयुक्त होती है। सूखे एवं जल जमाव दोनों परिस्थिति को सहने की क्षमता से युक्त होती है। प्रति हेक्टर 35 से 36 हज़ार तीन आंखों वाला टुकड़ा बीज के रूप में बुआई कर उचित कृषि कार्य को करके लगभग 1000 क्विंटल गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। बैंगन के फसल में फल लगने के समय फली छेदक और तना छेदक कीटों के लगने की संभावना रहती है, जिससे या तो फसल नष्ट हो जाती है या फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए नीम का शत 50% प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। कीटों का प्रकोप ज़्यादा होने की अवस्था में 25% साइपरमेथ्रिन 2.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। इस उपकरण को पावर टिलर कहते हैं। इस उपकरण की सहायता से किसान खेत को बुआई के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। जुताई, ढुलाई और ढेला फोड़ना जैसे कामों को यह उपकरण आसानी से निपटा देता है। इस पावर टिलर द्वारा एक दिन में लगभग 6 एकड़ खेत की बुआई के लिए तैयार कर सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस।
कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें किंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, नए रूप में हमारे सामने है, इसलिए बचाव जरूरी है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नथी अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी शकू छू। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी पहली जानकारी है वर्मी कंपोस्ट की बनाने की विधि और उससे होने वाले क्या क्या लाभ हैं। अगर किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट से खेती करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। यदि किसानों को कम लागत में अधिक लाभ कमाना है तो वे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान जिस रासायनिक खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं वह मिट्टी को ख़राब कर रही है। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर राजन जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाया जाए और आज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसमें कितना लाभप्रद हुआ किसानों के लिए, आइए इनसे हम जानते हैं। कि वर्मी कंपोस्ट इंग्लिश वर्ड हो जाता है तो इसको हम लोग केचुआ खाद हिंदी में बोलते हैं। केचुआ से जो खाद तैयार होता है, खाद कैसे तैयार होता है उसमें क्या है कि केचुआ जो कृषि अवशेष हैं, फसल अवशेष हैं, पशु से जो अवशेष मिलते हैं वो सबको गोबर, कच्चा गोबर के साथ मिक्स करके और हम लोग जो तैयार करते हैं
तो इसमें बर्मी कंपोस्ट क्या है, एक तकनीकी वर्ड हम आपको ये बता दें कि वैज्ञानिक तरीके से जब हम लोग केचुआ का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो ये बर्मी कल्चर हो जाते हैं। जब इसी में हम लोग केचुआ को जब डाल देते हैं जैविक पदार्थ और जो कृषि अवशेष, फसल अवशेष जो भी हैं उसके साथ मिक्स करके एक प्रक्रिया के तहत जो भी उत्पाद तैयार होता है उसको हम लोग बर्मी कंपोस्ट करते हैं। मिट्टी में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास तत्व होते हैं, जिससे मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है। रासायनिक खाद इन्हें नष्ट कर देती है, जबकि बर्मी कंपोस्ट इसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। जहाँ तक बर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि की बात है तो यह बहुत ही सरल है। एक चबूतरा बनाए हुए हैं 10 फीट लंबा, चौड़ाई का 50 फीट या जितना आपके पास उपलब्ध जगह रहे उसके अनुसार से आप एक बर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर सकते हैं जी। उसमें बहुत सारा चीज़ ये ऐसा नहीं है, केवल देखना है कि क्या चीज़ें सड़ने वाली हैं। सड़ने वाले में भी बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ें नहीं रहे, जैसे लकड़ी से हैं तो लकड़ी क्या है, जल्दी सड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग उसके टुकड़े टुकड़े करके जो हरे पत्ते हैं, उसके तने हैं, वो सबको क्या करते हैं, कच्चा गोबर के साथ 15 से 20 दिन तक मिक्स करके पार्शियली डिकम्पोज, थोड़ा सा विघटन हो जाए उसका, उसके बाद हम लोग बर्मी कंपोस्ट के एक शेप में दे देते हैं जिसका लंबाई 9 फीट 10 फीट अपनी जगह के अनुसार से आप रख सकते हैं, चौड़ाई 3 फीट जैसा रहे, जिससे कि सुविधा रहे। आपको कहने का मतलब कि एक पीट जो बनाए हैं तो वो एक कुछ स्पेस रहे जिससे कि हम वहाँ तक पहुँच पाए, उधर से गए तो जो मूवमेंट हैं, जो हमको प्रक्रिया करनी है, क्रियाएं करनी है, वो सब चीज़ें हमको आसानी से हो पाए किचुए खाद बनाने में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई हम लोग को नहीं रखना है, चौड़ाई इतना रहे कि हाथ उस पोर्शन तक पहुँच जाए और उस पोर्शन पर गए तो इस पोर्शन तक आ जाए। ये एक बनाते समय एक सावधानी रखने वाली चीज़ है। और जब ये आप जब इसका स्ट्रक्चर बना लिए तब हमको सावधानी ये रखना है कि पानी, चूँकि केचुआ थोड़ा सा उसको नमी चाहिए, 50-60% हमेशा उसमें मॉइस्चर बना रहे, तो उसके लिए क्या है कि डेली हम लोग को थोड़ा सा पानी, जैसे ठंडी के दिन है तो एक बार हल्का वो जो फूल पत्ती में हम लोग पानी डालते हैं फवारा से, उससे हल्का छिड़काव कर दिए ऊपर ऊपर तो वो भी चलता है। गर्मी के दिन है तो सुबह और शाम थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है जिससे कि केचुआ पे कोई असर नहीं पड़े। इसके लिए खाली जगह पर गोबर, फसलों के अवशेष, गीला कचरा आदि को इकट्ठा किया जाता है। इसे करीबन 1 फीट ऊंचे गड्ढे में डाला जाता है। इसके बाद इस मिश्रण में आइसीनिया फोटीडा नामक केचुओं को छोड़ दिया जाता है। करीब 20 से 25 दिनों के बाद खाद बनकर तैयार होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग दो मुख्य प्रजाति यहाँ पर मेरे केंद्र में भी अभी उपलब्ध हैं और उससे हम लोग कंपोस्ट भी बनाते हैं। आइसेनिया फोटीडा और यूडिलस यूजेनी दो प्रजाति मुख्य हैं। जो देसी प्रजाति हैं उससे भी बनता है लेकिन उसका थोड़ा सा नेचर अलग है, उसको जैसे मौका मिलेगा वो नीचे की तरफ जाने का उसका नेचर है। उसके चलते क्या होगा कि जैसे कंपोस्ट अब रखे हैं, बना रहे हैं, पता चला कि उसको डाले तो अपना जगह वो मूव कर जाएगा दूसरी जगह मिट्टी में, जहाँ नमी पाया तो मिट्टी में भी चला जाएगा, मूवमेंट उसका ज़्यादा। और दूसरी बात है कि जो हम अभी प्रजाति का नाम बोले आइसिनिया फोटेडा और यूडिलस यूजेनी, ये प्रजाति जो जल्दी से कंपोस्ट तैयार करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बर्मी कंपोस्ट को अपनाकर किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों को भी लाभ दोगुना होगा। 1 से 1.5 किलो पर पीट अगर 1 क्विंटल का आप वेस्ट मटेरियल का आप बना रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो केचुआ रहे या 15 से 2 हज़ार की संख्या में अगर देखा जाए तो वो सफिशियंट होता है। उसमें बनाते समय थोड़ा सा हम किसान भाई को कुछ होते हैं किसान भाई, जैसे आजकल क्या है कि बुआई हम लोग तकनीकी देते हैं कि लाइन बुआई करें, लाइन से सोइंग करें, तो उसी तरह से केचुआ जब डाल रहे हैं पीट में उसमें भी लाइन बना करके 3 लाइन 1-1 फीट की दूरी पर, जैसा हम 3 फीट बताए तो 1-1 फीट के गैप पर बना 3 लाइन बना दिए और ऊपर हल्का हल्का डालते गए और ऊपर से उसको हल्का मिट्टी जैसा दबा दिए और हल्का पानी डाल दिए। बर्मी कंपोस्ट से भूमि उपजाऊ बनती है,
वर्मी कंपोस्ट में आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर व संतुलित मात्रा में होते हैं। रासायनिक खाद के मुकाबले यह काफ़ी सस्ती भी होती है। वर्मी कंपोस्ट गोबर फसलों के अवशेषों से तैयार किया होता है, अतः गंदगी कम होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही इससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए, समय के अनुसार से भय रासायनिक खादों का इतना उपयोग हुआ है खेतों में, खेती में, जिससे कि हम लोग जो अभी अनाज खा रहे हैं उसमें भी बहुत तरह की बीमारी होने की आशंका रहती हैं और रहता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, जिसमें जैविक नेचर का होता है। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हाँ, ये जरूर है कि इसमें पोषक तत्व तो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सभी तरह के पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, और इसका जो मिट्टी पर इसका जो परिणाम होता है वो भी बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं। बहुत तरह की चीज़ें, रासायनिक खाद आप डालेंगे तो मिट्टी का दोहन होता है, मिट्टी में वो पोषक तत्व तो दे दिए लेकिन मिट्टी का दोहन होता है और अनाज पे भी विषैला नेचर के अनाज भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो रासायनिक खाद, ये केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आपकी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रहती है। इसमें मृदा वातायन, सॉइल एरेशन के भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिससे कि मिट्टी में भरपूर मात्रा में हवा का भी संचार हो पाता है। तो आज की हमारी दूसरी जानकारी है बेमौसम सब्जियां उत्पादन एवं उससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। बेमौसम सब्जी उगाकर हमारे किसान भाई बहनों की आय में भी काफ़ी वृद्धि होगी। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि बेमौसम सब्जियां उगाकर और किसानों की आय में कितनी वृद्धि होगी और उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा। सर, अभी जैसे कि बेमौसम, अगर जो भी हमारे किसान भाई बेमौसम कृषि कर रहे हैं, बेमौसम किसानी कर रहे हैं, तो वो लोग सब्जी उत्पादन करके किस तरीके से लाभ कमा सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हमारा झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में विभिन्न तरह के जो मौसम है, लेकिन इसमें भी अगर हम चाहें तो अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। जैसे कि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, ठंडा के मौसम में अब गर्मी का मौसम का हम सब्जी अगर लेते हैं, जैसे खीरा, कद्दू, नेनुआ, अगर ये सब्जी अगर हम उपजा लेते हैं तो उसका आमदनी हमको ज़्यादा मिलेगा। जो सब्जी जो ठंडे का है वो हम गर्मी में अगर उपजा लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा लाभ देगा। तो किसान भाइयों से हमारा यही आग्रह होगा कि बेमौसमी सब्जी लगाएं और उससे ज़्यादा मुनाफा पाए। सर, बेमौसमी सब्जी लगाने से ऐसे तो किसानों को बाज़ार ले जा करके बहुत सारी मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि वो मौसम नहीं मिलता वो सब्जियां जो बाद में मिल जाती है। सर, इसके लिए मिट्टी की बेहतर पैदावार के लिए क्या कुछ करें हमारे किसान भाई? सबसे पहले तो हमारे किसान बंधु हमारा जो मिट्टी है उसकी जाँच करवाएँ। ये प्रत्येक ज़िला में मिट्टी जाँच केंद्र बना हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, जहाँ जाकर हम किसान बंधु मिट्टी की जांच करा सकते हैं। ग्रीन हाउस, लैथ हाउस, अगर छोटा छोटा प्लॉट अगर हम कर ले, उस छोटे छोटे प्लॉट में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मिट्टी की जांच उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और लैथ हाउस या ग्रीन हाउस अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम हरी सब्जियाँ अच्छे से हम ले सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गोभी है, परवल है, आपका टमाटर है, मटर है, इन सब सब्जियों का अगर हम ग्रीन हाउस में अगर करें तो हम मौसम को अनुकूल अपने बनाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर हम अच्छा टमाटर ले लेते हैं तो उस समय हमारा 50 से 60 रुपए केजी मार्केट में बाहर से आता है और हमारे किसान बंधु उस समय हमारा टमाटर नहीं उगा पाते हैं। अगर किसान बंधु अगर छोटे से एरिया में अगर जैसे 400 मीटर बाई 400 फीट बाई 1000 फीट या 2000 फीट या 5000 फीट, ये एक अनुमान है, ये इसको ग्रीन हाउस के रूप में सरकार अनुदान देती है, वो 50% से लेके 80% तक, 90% तक अनुदान सरकार देती है। और अगर वो ग्रीन हाउस हम बना लेते हैं तो वो मौसम को हम अपने अनुकूल कर लेते हैं, अनुकूल कर लेंगे तो उसमें हम फसल आसानी से लगा सकते हैं और वो फसल हम पा सकते हैं बेमौसमी, और बेमौसमी फसल उसको
उसमें हमारा कीट नहीं लगेगा, रोग नहीं लगेगा, तो उसको हम आसानी से छोटा स्तर पे हम अच्छा आमदनी आसानी से ले सकते हैं। तो किसान बंधु अगर छोटे एरिया में अगर रहेगा तो जैसे कि टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये सब अनटाइमली अगर लेते हैं तो उसमें जिस समय हमारा टाइम नहीं रहता है, जिस समय हमारा सब्जी का समय नहीं रहता है, जैसे मटर का है, मटर का 300 से 400 रुपये केजी मटर बिकता है, आपका शिमला मिर्च है 100 से 150 रुपये केजी बिकता है, अगर वो हम अनटाइमली अगर हम कर लें, अगर ग्रीन हाउस या लाइट हाउस हम बना लेते हैं, वो सरकार के अनुदान जब दे ही रही है उससे हम फायदा लें और प्रत्येक जिला में ये जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा ये अनुदान मिलता है और आसानी से लगाया जा सकता है। उसके अंदर हम अपने फसल को, बेमौसमी फसल को आसानी से ले सकते हैं और उससे अच्छा आमदनी कर सकते हैं। जी सर, अगर बात करें तकनीक की, अगर हम बेमौसमी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो कौन कौन सी तकनीक की बेहद आवश्यक होती है? देखिए विनीता जी, यहाँ जो है तकनीकी वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि वैरायटी, वैरायटी हमें सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कतकी गोभी होता है, अगर वो माघी में हम लगा देंगे और माघी या पूसी है वो हम कतकी में लगा देंगे तो हमारा फूल का साइज छोटा हो जाएगा, ये हमारे सारे किसान भाई जानते हैं। इसी तरह से अगर जनरल गोभी का वैरायटी लगाएंगे, जनरल टमाटर हम अगर लगाते हैं तो हमारा वो उपज हमें ज़्यादा देगा और अच्छा फसल होगा। तो ये सब बातों का ध्यान देना होगा हमें। अगर रोग व्याधि अगर वो छोटा स्मॉल एरिया में अगर हमारा लगा हो तो उसका बहुत आसानी से हम उसको पकड़ सकते हैं और उस पर हम छिड़काव कर सकते हैं और हम अच्छा उपज ले सकते हैं। साथ ही अगर हमारा कीड़ा नहीं लगता है तो हमारा वो सब्जी जो है हम आसानी से बेच सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे इस पे दवा और रोग का कोई प्रकोप नहीं है, दवा मैं इस पे नहीं डाला हूँ, और ये हमारे बाज़ार में अगर जाता है तो वो बहुत जल्दी हमारा बिक जाएगा। सर, अभी इस मौसम की अगर बात करें तो इस मौसम में कौन सी ऐसी सब्जी लगाई जाए जो बेमौसमी ही हो, लेकिन कौन सी ऐसी सब्जियां लगाई जाए जो अभी अच्छी पैदावार और बाजार में अच्छा मुनाफा दे? जैसे विनीता जी आप जानते हैं कि गर्मी वाली फसलें जो हैं, अभी ठंडी का मौसम चल रही है, अगर गर्मी के फसल अगर हम लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे खीरा है, नेनुआ है, झींगा है, इन सब सब्जियों का अगर हम अभी खेती कर लेते हैं तो हमको स्वाभाविक है कि ज़्यादा उसमें हमें फायदा मिलेगा। जैसे गर्मी के समय में अगर हम ये गर्मी गोभी लगा लेते हैं, शिमला मिर्च लगा लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस समय हमारा भाव जो है वो बहुत हाई रहता है। टमाटर का भाव उस समय 60-70-80 रुपये केजी रहता है और हमारे यहाँ झारखंड में वो 60-70 रुपये केजी बाहर से आके बिकता है और हम नहीं उपजा पाते हैं, जबकि सरकार हमें अनुदान देती है, हमें सारा सिंचाई की सुविधा देती है, वो सारे का लाभ हम लेकर हम भी किसान बंधु हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना।
सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।